Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu Alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher Ms. Farheen and I welcome you all to your GK class. My dear students as you know that we are on unit number 15 that is inventions. Today we are again going to make a project that is project number 3 from your books. So let's get started. But let's quickly recap what we have done in the previous lecture. So my dear students quickly tell me that what is your favorite invention? Or iska apki life pe kya impact hai? किस तरह असरअंदाज कर रही है ये आपकी लाइफ को अच्छे तरीके से बुरे तरीके से यू हैव टू टेल दैट ओके वेरी गुड ओके माई डियर स्टूडेंट सो नाउ लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द प्री रीडिंग क्वेश्चन इंटरनेट इंटरनेट क्या चीज है बेसिकली इट इज अ कनेक्टिविटी वेब जिसके साथ दुनिया भर के कंप्यूटर्स जो है जब वो कनेक्ट हो जाते हैं तो उनका आपस में एक लिंक जो है वो बन जाता है एंड दैट्स हाउ दिस सिस्टम वर्क्स एंड व्हाट आर द यूजर्स ऑफ इंटरनेट It helps in communication, online business, money transaction, research work, Her internet to have work. So now is the time for the project so my dear students for the project you will open project number three in unit number 15 GK3 books. I hope everybody has done it so my dear students how can you use internet in following fields? सो so, आप इन फील्ड में इंटरनेट को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रैवलिंग बुकिंग फ्लाइट टिकट्स ऑफ बस नेविगेशन सो इन तमाम चीज़ों में आप ट्रैवलिंग के अंदर जो है इंटरनेट को यूज़ करते हैं शेयरिंग इंफॉर्मेशन यू यूज़ सोशल मीडिया इसके अलावा मेडिसिन डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस के अंदर जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है बिजनेस बिजनेस में किस तरीके से आप इसको यूज़ करते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है परचेज कर सकते हैं आप सेल कर सकते हैं चीज चीज़ें बाय एंड सेलिंग हो सकती है देन एजुकेशन यू कैन डू रिसर्च वर्क यू कैन रीड डिफरेंट बुक्स ऑनलाइन एंड देन ग्रोसरी यू कैन बाय एनी थिंग ऑनलाइन ठीक है ग्रोसरी से लेके एनी आइटम दैट यू वॉन्ट टू प्रोटेज इट इज़ अवेलेबल ऑन इंटरनेट एंड यू कैन बाई इट एंड देन शॉपिंग सो दिस इज हाउ द वे यू वॉन्ट टू बाय एंड सेल एनी आप शॉपिंग जो है वो इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं सो माई डियर स्टूडेंट्स हेयर इज द नोट फॉर टीचर्स जो टीचर्स ने क्लास में बच्चों के साथ करना है टेल स्टूडेंट्स दैट एन इन्वेंशन लाइक कंप्यूटर हैज़ रिप्लेसड मेनी प्रोफेशन कंप्लीटली सच एज द पोस्ट बुकिंग डिजाइनिंग कैलेग्राफ़ी एक्सेट्रा आस्क अबाउट द चेंज इन लाइफ ड्यू टू इन्वेंशन ऑफ रोबोट्स सो माई डियर स्टूडेंट्स आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ में शेयर करना चाहती हूँ कि कंप्यूटर की वजह से कंप्यूटर की ईजाद की वजह से लोगों ने ख़त लिखने बहुत कम कर दिया यानी कि पोस्ट ऑफिस जो है उसका काम बहुत कम हद तक कम हो गया है कुछ जगहों से शायद ये शायद ख़त्म भी हो जाए आहिस्ता आहिस्ता इसके अलावा कैलीग्राफी रिटन काम जो है वो बहुत हद तक कम हो गया है बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ कंप्यूटर इसके अलावा रोबोट्स जो हैं आज कल बहुत ज़्यादा जो है वो uh, आ, सोच रहे हैं कि ये एक नई टेक्नोलॉजी है आई ए इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ए आई इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका मतलब है तो रोबोट्स की इन्वेंशन आपको क्या लगता है कि ये हमारा काम किस तरह से आसान कर देंगी मैं आपके साथ डिस्कस ये करना चाहती हूँ कि मुख्तलिफ़ फैक्ट्रीज में और इंडस्ट्रीज में रोबोट्स अभी भी इस्तेमाल हो रहे हैं ह्यूमन एफर्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी यानी कि बहुत हैवी मशीनरी या वेट लिफ्टिंग के लिए भी आप इवन बिल्डिंग्स बनाने के लिए भी रोबोट्स को यूज़ किया जाता है किस तरीके से यूज़ किया जाता है कि इंसान को अब बहुत भारी ईंटें सीमेंट उठाकर एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर नहीं जाना पड़ेगा सिंपली अ रोबोट कैन परफॉर्म दिस फंक्शन इसी तरह मुख्तफ इंडस्ट्रीज में पैकिंग का काम स्टिचिंग का काम ये तमाम काम जो है रोबोट्स जो है परफॉर्म कर रहे हैं सो so, इस तरीके से लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में चली गई है इंसान की लेकिन इसके नेगेटिव इंपैक्ट भी हैं नेगेटिव इम्पैक्ट्स ये हैं कि इंसान की फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है और इंसान का जिसम जो है वो फिज़िकल एक्टिविटी जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू तो कीप इट वर्किंग टू कीप इट हेल्दी तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है कि हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम होने की वजह से हम लोग बहुत फ्रेजाइल या कमज़ोर हो गए हैं

अगर आप पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड हैं लेकिन आपने नेक्स्ट डोर नेबर्स या अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम्स जो हैं उनको टोटली totally जो है वो नज़रअंदाज कर दिया है बिकॉज वी आर सो मच इन टू कम्प्यूटर्स एंड इंटरनेट तो हमें चाहिए कि हम अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट यानी कि जो हमारे नेक्स्ट डोर नेबर्स हैं और हमारी सोसाइटी है हम उसमें भी लोगों का ख्याल रखें बाय फिजिकली डीलिंग विद दैम so my dear students, now is the time for practice for which you need to download this worksheet from the description box below this video or you can get it at print by your teacher. so first of all, write down your name and then the roll number and then start working on the worksheet. internet is widely used by many of us at work or in schools. it has great influence on our lives. what would be advantages or disadvantages of internet? so my dear students, are coach advantages or coach di disadvantages? Jo hai wo hai. say yes or no. internet has made our life easier in almost every field of life yes we do not need internet to order online food no we need internet for navigation yes we use internet for video calling yes internet does not help in education no internet is useful in medical field yes so my dear students this is how you will pause the video and you will complete the worksheet i hope everybody has done it now let's quickly move forward towards the homework for homework you will repeat this project at your homes and also um